राधे राधे फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस सो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे बीएससी एस सिक्स सेमेस्टर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर सिक्स फिजिक्स की बीएससी एस सिक्स सेमेस्टर में फिजिक्स की टू तो बुक्स हैं जिसमें से दूसरी बुक जो है सेकेंड बुक जो है जिसका नेम है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस उसका चैप्टर नंबर सिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है बाइनरी अर्थमेटिक जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है ठीक है कन्फ्यूज़न नहीं हो इसीलिए ही बता रही हूँ बी एस सिक्स सेमेस्टर में फिजिक्स की दो बुक हैं जिसमें से सेकंड बुक जो है उसका नेम है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस उसका ये चैप्टर नंबर सिक्स है बाइनरी अर्थमेटिक्स और ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है जिसमें आज हम सब कुछ सीखेंगे बाइनरी टू डेसीमल डेसीमल टू बाइनरी बाइनरी टू ऑक्टल ऑक्टल टू बाइनरी सब कुछ सीखेंगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ 100 परसेंट इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में या डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में आज इसके सारे टॉपिक्स लेकर आई हूँ और लिख के ले लो इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी और आपको कोई दूसरी वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट बस इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल्स में कैसे चेंज करते हैं ठीक है सो बाइनरी टू डेसिमल फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है और बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है सो so, जो बाइनरी नंबर होते हैं बाइनरी नंबर बेस बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो होता है टू जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं कोई भी नंबर है यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया टेन तो उसका बेस होगा यहाँ पर टू तो आप उससे पहचान सकेंगे कि वो बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है सबसे पहले आपको वही पता होना चाहिए कितना होता है टू मैंने के एग्जाम्पल से भी बता दिया जैसे है वन जीरो टेन उसका बेस है यहाँ पर टू अब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं सबसे पहले हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है तो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो होता है टेन ठीक है जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेसिमल नंबर है सपोज ट्वेंटी फाइव तो उसका अगर बेस में टेन लिखा है तो इट मीन्स वो है आपका डेसिमल नंबर्स तो सबसे पहले बच्चे को यही पता होना चाहिए कि बेस किसके क्या होते हैं तो बाइनरी नंबर का होता है टू और डेसिमल नंबर का होता है टेन क्लियर और आपको पता ही होगा बाइनरी जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दो नंबर्स में लिखे जाते हैं वन और ज़ीरो जहाँ पर भी आपको वन ज़ीरो की फॉर्म में अगर कोई नंबर दिखता है तो वो बाइनरी नंबर होता है ठीक है अब हम करना सीखते हैं इनको कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल ठीक है तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेती हूँ क्वेश्चन है वन ज़ीरो वन टू इस कन्वर्ट करना है आपको इसको डेसिमल में ठीक है यहाँ पर देखिए बेस टू था तो आपने पहचाना कि यह बाइनरी नंबर और यहाँ पर लिखा है टेन इसका मतलब आपको चेंज करना है इसको डेसिमल में बेस से पहचाना अब देखिए इसको कैसे करते हैं वन जीरो वन को हम किस तरह से लिख सकते हैं डेसिमल नंबर्स में ठीक है सो देखिए वन ज़ीरो वन लिखा है सो so, इसको पहले आपको इस तरह से लिखना है वन ज़ीरो वन इस तरह से आपको इसको लिख देना है इस तरह से लिखने के बाद ऊपर हम यहाँ पर इनको नंबर्स देते हैं किस तरह से नंबर्स देते हैं बाइनरी नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से आप नंबर्स देते हैं देखिए ऊपर आप देंगे वन फिर देंगे टू फिर लिखेंगे फोर अगर आगे कोई नंबर होता तो हम लिखते उसको एट उसका डबल करते जाते हैं वन का डबल टू टू का डबल फोर फोर का डबल यहाँ पर लिखते हैं एट और कोई नंबर होता है आगे लिखते हैं सिक्सटीन और उससे आगे होता लिखते थर्टी टू क्लियर है कैसे लिखते हैं जैसे यहाँ पर तो तीन नंबर ही थे तो क्या लिखा वन फिर उसका डबल टू फिर उसका डबल फोर फिर और यहाँ पर कोई नंबर होता है एट लिखते और होता नंबर तो सिक्सटीन फिर आगे और होता थर्टी टू और भी एग्जाम्पल लेंगे अभी इससे समझिए मैंने लिखा वन फिर टू फिर फ़ोर इसके आगे हमें इन नंबर्स के लिखना है और हमेशा आपको याद रखना है जब आप लिखेंगे तो आपको राइट टू लेफ़्ट लिखना है अपने राइट right से लेफ्ट की तरफ को लिखना है हमेशा इस बात का ध्यान रखिए हमेशा आपको कैसे लिखना है राइट टू लेफ्ट लिखना है तो आप यहाँ पर साइड में लिख भी लेना कि भूल ना जाए राइट ऑलवेज राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट ठीक है अब देखिए जो जीरो होता है वो तो आपका काउंट ही नहीं होगा अब इसको कैसे काउंट करते हैं देखिए जीरो वाला काउंट नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट होगा जो आपके वन वाले काउंट होंगे बाइनरी नंबर्स में ज़ीरो वाला नंबर काउंट नहीं होगा बिकॉज वो जीरो है बाकी जो वन वन है उनको हम काउंट करेंगे और उनको ऐड करके लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर काउंट हुआ आपका फोर यहाँ पर काउंट हुआ आपका प्लस का वन यहाँ पर है वन ठीक है ऊपर है वन तो फोर प्लस वन फाइव क्लियर मैंने क्या बोला जीरो वाला काउंट नहीं करेंगे बाकी वन वाले काउंट करेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर था फोर और यहाँ पर था वन फोर प्लस वन करा आ गया आंसर फाइव तो इसका जो डेसिमल नंबर है वो कितना आया है फाइव तो यानी कि वन ज़ीरो वन टू को हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो देगा फाइव क्लियर इस तरह से आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना होता है एक और एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं ठीक है सो so, एक क्वेश्चन और लेते हैं लिया यह मैंने यहाँ पर वन ज़ीरो ज़ीरो वन ठीक है बाइनरी टू डेसिमल हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको इसको पहले हम क्या करेंगे दूर दूर लिख लेंगे वन ज़ीरो ज़ीरो वन अब नंबर देंगे वन टू फोर एंड फोर का डबल कितना बताया था मैंने यहाँ पर एट इस तरह से हम लिख लेंगे उसके बाद ज़ीरो वालों को काउंट नहीं करेंगे ये लिखा मैंने वन और ये वाला वन इस और इस वन के नंबर्स को काउंट करना है तो कितना हुआ एट प्लस वन ये वाले वन के ऊपर कितना है एट और ये वाले वन के ऊपर कितना है वन ये दोनों ज़ीरो हैं इनको काउंट नहीं करेंगे तो एट प्लस वन इज़ इक्वल टू नाइन तो जब हम इसको कन्वर्ट करा वन ज़ीरो ज़ीरो वन को बाइनरी से डेसिमल में तो हमको कितना मिला नाइन तो इस तरह से हम चेंज करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल क्लियर और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको कैसे लिखना है राइट टू लेफ्ट ऐसे नहीं लिखना है वन फोर टू एट गलत हो जाएगा आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है वन टू फोर एट क्लियर तो ये तो हमने सीखा बाइनरी टू डेसिमल अब हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं यानी कि नंबर्स को हम बाइनरी नंबर्स में किस तरह से चेंज करते हैं सो so, अब हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी देखिए कैसे करते हैं उसमें एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर ट्वेंटी फाइव सपोज मैंने यहाँ पे लिया ट्वेंटी फ़ाइव बेस टेन है इसको चेंज करना है हमें बाइनरी में binary. तो बेस कितना होगा टू हमको इसको बाइनरी में चेंज करना है तो देखिए इसको जो हम चेंज करते हैं इसको जो कन्वर्ट करते हैं सॉरी चेंज नहीं कन्वर्ट कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे ट्वेंटी फाइव को आपने लिख लिया और इसके फैक्टर्स कर लिए ट्वेंटी फाइव लिख लिया है और इसके फैक्टर्स करने हैं आपको ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइव के टेबल से नहीं पढ़ेंगे कभी आप सोचें फाइव वन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन जो फाइव नहीं आपको छोटे से छोटा नंबर पढ़ना है टू uh, पढ़ना है हमेशा बिकॉज़ बेस में यहाँ पर टू होता है जो आप एल्सीम सीखी होगी आपने बचपन में करना हम वही काम करेंगे यहाँ पर बस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेस में टू है तो हम यहाँ पर हमेशा टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे टू के टेबल में ही जो भी नंबर दिया होगा उसको टू के टेबल में ही पढ़ेंगे ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कोई भी नंबर दिया हो डेसिमल में आप जब उसके एलसीएम लेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ टू के टेबल में पढ़ेंगे पढ़ते हैं टू के टेबल में किस तरह से करेंगे इसको देखिए टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर कितना बचा वन यहाँ पर लिख दिया वन नेक्स्ट करेंगे टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व पूरा पूरा गया कुछ नहीं बचा जीरो रिमाइंडर आपको हमेशा इधर लिखना है फिर दोबारा पढ़ेंगे टू थ्री जा सिक्स कुछ बचा रिमेन नहीं ज़ीरो फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे टू वन जा टू टू वन जा टू तो यहाँ पर कितना बचेगा वन तो रिमाइंडर आपको यहाँ पर लिखने हैं अब इसको सॉल्व करने के बाद हमेशा आपको बॉटम टू अप जाना है बॉटम टू अप जाना है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ नंबर्स को लिख देना है क्या लिखेंगे सबसे पहले वन फिर है वन फिर ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन ठीक है समझ में आया कैसे लिखना है बॉटम टू अप जाना है नीचे से ऊपर की तरफ जाना है नीचे वाला पहले लिखना है वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ऊपर से नहीं लिखना है वो गलत हो जाएगा आपका ऊपर से अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपको हमेशा नीचे से लिखना है लास्ट वाला भी लिखना है वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन इस तरह से मैंने इसको लिख दिया तो ये मेरा चेंज हो गया है डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है डेसीमल में बार बार मैं चेंज बोल रही हूँ गलत निकल रहा है मुझसे कन्वर्ट हो गया है डेसीमल में सॉरी बाइनरी में सो so, ये हमने सीखा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना ठीक है एक और एग्जाम्पल से समझते हैं अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और बता देती हूँ डेसिमल टू बाइनरी ठीक है अभी मैंने नंबर लिया था ट्वेंटी फाइव अब मैं यहाँ पर ले ले रही हूँ वन ट्वेंटी फाइव थोड़ा सा बड़ा नंबर ले ले रही हूँ जिससे कि आपको बड़े नंबर भी सॉल्व करने आ जाए इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में देखिए कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ वन ट्वेंटी फाइव क्लियर अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ मैंने क्या बताया टू के टेबल से ही पढ़ना है कोई भी नंबर हो कितना भी बड़ा नंबर हो आपको टू के टेबल में ही पढ़ना है पढ़ेंगे बिकॉज टू के टेबल में क्यों पढ़ना है क्योंकि इसका बेस टू है टू सिक्स ज ट्वेल्व टू टू ज़ा फोर कितना बचा वन लिख देंगे फिर दोबारा टू थ्री जा सिक्स टू वन जा टू कितना बचा कुछ भी नहीं बचा जीरो टू के टेबल में पढ़ेंगे टू वन ज टू वन इधर जाएगा टू फाइव ज़ा टेन कितना बच्चा वन इधर लिख देंगे फिर पढ़ेंगे टू सेवन ज़ा फोर्टीन वन बच्चा इधर लिख देंगे टू थ्री जा सिक्स बचा वन इधर लिख देंगे टू वन जा टू बचा वन इधर लिख देंगे क्लियर हुआ आप क्या करते हैं बॉटम टू अप जाते हैं यहाँ पर आप पीछे मैं लिखवा दूँगी अभी बॉटम टू अप जाते हैं नीचे से ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताना मेरा जरूरी होता है बिकॉज दोनों ही मीडियम के बच्चे देखते हैं वीडियोस को हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी सो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा वन 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 टू थ्री फोर जीरो वन इस तरह से हम इसको लिखेंगे और ट्वाइस ठीक है तो इस तरह से मैंने लिख दिया वन 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 जीरो वन का बेस टू तो इसको मैंने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है ठीक है यहाँ पर आप लिख लीजिएगा आपको जिससे कन्फ्यूज़न ना हो बॉटम टू अप नीचे से ऊपर की तरफ ठीक है क्लियर ठीक है तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी अब आगे और सीखते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं अब हम सीखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल क्या सीखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल ये मैंने लिख दिया है बाइनरी टू ऑक्टल तो बाइनरी का बेस क्या होता है वो तो आपको पता चल ही गया है अब आपको नीर है क्या जानने की कि ऑक्टल का बेस कितना होता है सो so, ऑक्टल का बेस होता है इस तरह से आप लिख दीजिए ऑक्टल नंबर बेस ऑक्टल के जो नंबर का बेस होता है वो होता है एट जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर लिखा हुआ हो उसका बेस कितना होगा एट होगा कितना होगा एट होगा सपोज़ यहाँ पर लिख दिया मैंने थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री का बेस कितना है एट है तो आप यहाँ पर पहचान जाएंगे जिसका बेस एट दे रखा है वो आपका ऑक्टल नंबर है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं बोलते कि कन्वर्ट दिस नंबर टू ऑक्टल वहाँ पर क्या बोलेंगे कन्वर्ट दिस नंबर टू इस तरह से ब्रैकेट बना के एट दे देंगे जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क डाल के टू लिख दिया है वहाँ पर भी वहाँ पर ब्रैकेट बना के बाहर एट लिख देंगे तो जब एट लिख देंगे यानी कि बेस एट वाला कौन होता है ऑक्टल आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है नंबर के बाहर आपका बेस में टेन लिखा है इसका मतलब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसलिए इसके बेस जानना ज़रूरी होते हैं अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन मैं यहाँ लिखती हूँ जैसे मैंने लिखा है बाइनरी नंबर वन वन ज़ीरो वन वन क्लियर इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में ऑक्टल में तो इसका ऑक्टल नंबर कितना होगा देखिए इसको कैसे करते हैं पहले इसको हम दूर दूर लिख लेंगे वन वन ज़ीरो वन वन इस तरह से हम इसको लिख लेंगे अब इसमें क्या करते हैं थ्री थ्री नंबर का पेयर बनाते हैं क्या करते हैं थ्री थ्री नंबर का पेयर बनाते हैं ग्रुप बनाते हैं कुछ भी कह लीजिए ये मैंने एक ग्रुप बनाया थ्री नंबर का ठीक है वन टू थ्री ठीक है इसमें भी हम राइट टू लेफ्ट ही लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट ही बनाना है ये नहीं आपने स्टार्टिंग से बना दिया लेफ्ट टू राइट अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो ये देखिए थ्री बन जाती है दो अकेले रह जाते आपको पीछे से बनाना है आपको राइट टू लेफ्ट बनाना है तो मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है थ्री नंबर्स का और आगे मैं एक ग्रुप बनाऊंगी थ्री नंबर्स का यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आप अपने पास से यहाँ पर क्या ले लेंगे ज़ीरो इसको समझिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पर ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ पर साइड uh, में लिख लीजिएगा मेक द ग्रुप ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स नंबर्स ठीक है थ्री नंबर्स आपको यहाँ पर ग्रुप बनाने हैं क्या थ्री नंबर्स के तो मैंने यहाँ पर ग्रुप बना है उसके बाद सेम वही प्रोसेस करना है आपको यहाँ पर इनको नंबर देने के ऊपर कैसे वन टू एंड फोर फिर जब दूसरा ग्रुप शुरू होगा तो हम दोबारा से वन टू एंड फोर ये नहीं है कि वन टू फोर फिर एट दे दिया सिक्सटीन दे दिया थर्टी टू दे दिया नहीं वन टू फोर फिर एक ग्रुप ख़त्म हो गया दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो गया वन टू फोर ऐसे आपको इनको नंबर्स देना है उसके बाद आपको जीरो वालों को भूल जाना है वन वन वाले को याद रखना है वन वन वालों को याद रखना है ज़ीरो वालों को नहीं लिखना है तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना और देखिए कि यहाँ पर वन और वन है वन के ऊपर टू प्लस वन के ऊपर वन यहाँ पर वन के ऊपर टू प्लस वन के ऊपर वन तो टू प्लस वन थ्री टू प्लस वन थ्री तो इसका जो ऑप्टल होगा वो होगा थर्टी थ्री इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्टी थ्री क्लियर हुआ ये नहीं है कि टू प्लस वन थ्री टू प्लस वन थ्री थ्री एंड थ्री सिक्स सिक्स हो गया आंसर वो गलत हो जाएगा आपको एक ग्रुप का ऐड करके अलग लिखना है एक ग्रुप का ऐड करके अलग लिखना है दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखना है ठीक है इन दोनों को आपको ऐड नहीं करना है कि आप बोले थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया तो इसका आंसर सिक्स है वो गलत हो जाएगा आपको एक ग्रुप का अलग ऐड करना है एक ग्रुप का अलग ऐड करना है और उनको सेपरेट करके लिखना है थ्री थ्री यानी कि थर्टी थ्री आ गया है इस बाइनरी को जब हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आएगा थर्टी थ्री क्लियर हुआ और अगर इसका डेसिमल निकालना होता है तो हम वन टू फोर एट सिक्सटीन ऐसे निकालते और काउंट करते सिर्फ एट को सिक्सटीन को और टू को और वन को टू वन थ्री एट और सिक्सटीन तो इसका ट्वेंटी सेवन हो जाता है डेसीमल में अगर इसका डेसीमल पूछें इस बाइनरी नंबर का डेसीमल होता ट्वेंटी सेवन बट इसका जो ऑक्टल है वो आया है थर्टी थ्री तो इसका ध्यान रखना है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कम से कम दो क्वेश्चन तो लें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अभी भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं वन जीरो वन ज़ीरो वन 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 ठीक है ये है बाइनरी में बेस है इसका टू इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में ठीक है करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको हम दूर दूर लिखते हैं बाइनरी नंबर को वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 लिख लिया अब इसके बाद क्या करते हैं मेक द ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स थ्री नंबर्स का हम ग्रुप बनाते हैं तो थ्री थ्री नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे ये बना एक ग्रुप वन 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 ये बना दूसरा ग्रुप वन जीरो वन और ये बना तीसरा ग्रुप इसमें नहीं है तो स्टार्टिंग में हमने क्या लगा दिया अपने पास से जीरो ये बन गया थर्ड ग्रुप इस तरह से इस वाले बाइनरी नंबर के तीन ग्रुप्स बने हैं उसके बाद हम इनको नंबर्स देते हैं कैसे देंगे वन टू फोर नंबर्स हमेशा राइट टू लेफ्ट देने हैं ध्यान रखना वन टू फोर वन टू फोर इस तरह से हमने इनको नंबर्स दे दिया है अब हम इसको वन वालों को अब देखिए ज़ीरो वालों को नहीं देखना है वन वालों को देखना है वन वालों को देखना है जितने भी वन हैं उसके पास इस तरह से बॉक्स बना लेना है ये मैं आपको समझाने के लिए और बॉक्स बना देती हूँ फिर इनको सबको लिख देना है देखिए किस तरह से ज़ीरो वाला नहीं देखना वन के ऊपर है टू जीरो वाला नहीं देखना यहाँ पर वन के ऊपर है फोर ज़ीरो वाला नहीं देखना वन के ऊपर है वन प्लस वन वन के ऊपर फोर वन के ऊपर प्लस के टू एंड वन के ऊपर प्लस के वन अब इनको सबको ऐड करके लिखना है देखिए टू एज इट इज़ फोर प्लस वन फाइव फोर प्लस टू सिक्स प्लस सेवन तो टू फाइव सेवन इसका जो आपको ऑक्टल नंबर मिला है वो कितना मिला है टू फाइव सेवन तो इसका जो बाइनरी था नंबर इसको जब हमने कन्वर्ट करा ऑक्टल में तो कितना आया टू फाइव सेवन ये ही हुआ इसका आंसर तो इस तरह से आपने सीखा बाइनरी टू ऑक्टल अब हम सीखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी ठीक है क्या सीखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी ठीक है तो अब हम सीखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी किसी ऑक्टल को किसी ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं तो ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है एट एंड बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है टू सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए अब देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑक्टल नंबर लिया है सिक्सटी फोर ठीक है एक ऑक्टल नंबर लिया है इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में चेंज करना है ठीक है तो आइए हम हम इसको करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स को दूर दूर लिखना होता है सिक्स और फोर इस तरह से लिखना है ये वाला मेथड को अच्छे से देखिए इस प्रोसेस को सिक्स फोर आपको लिखना है सारे प्रोसेस बहुत सिंपल हैं बहुत इजी हैं बस आपको अपने माइंड में अच्छे से फिक्स करने हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पर सिक्स और फोर को अलग अलग लिख लिया है दूर दूर लिख लिया है अब देखिए इसको आपको जैसे आपने लिखा ना वन टू फोर लिखते हैं हर बार जब हम बाइनरी टू कर ऑक्टल करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बस वन टू और फोर ही लिखना है ये नहीं कि आपको आगे तक लिख जाना है वन टू फोर यही आपको तीन नंबर्स लिखने हैं वन टू फोर एंड वन टू फोर राइट टू लेफ्ट अब आपको ये देखना है कि ऐसे इन तीन नंबर्स में से ऐसे दो नंबर्स को या एक नंबर्स को क्या लिखें क्या ऐड करें कि आपका फोर बन जाए ऊपर देखिए अगर मैं टू प्लस वन करूँगी तो थ्री बनेगा वन प्लस फोर करूँगी फाइव बनेगा फोर प्लस टू करूँगी सिक्स बनेगा तो आपको ऐसा नंबर देखना होता है कि मैं किन दो नंबर्स को ऐड करूँ कि मेरा फोर बन जाए तो यहाँ ऑटोमेटिकली फोर है यानी कि यहाँ पर आ गया आपका फोर फोर लाना है आपको तो फोर लाने के लिए आप क्या लिखेंगे यानी कि ये वाला काउंट ही नहीं हुआ है इसको लिखेंगे जीरो ये वाला काउंट ही नहीं लिया है इसको लिखेंगे जीरो ये वाला काउंट हुआ है तभी तो ऊपर फोर बना है इसको लिखेंगे वन क्लियर समझ में आया अब देखिए इसमें आपको सिक्स बनाना है तो आपको दिख रहा है फोर प्लस टू करूंगी तो सिक्स बनेगा यानी कि वन काउंट नहीं हुआ है इसको देंगे जीरो इसको देंगे वन इसको देंगे वन इसका उल्टा ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर इसका उल्टा ही तो कर रहे हैं जिस तरह से हमने बाइनरी टू ऑक्टल बनाया था ऑक्टल टू बाइनरी बनाने के लिए इसका उल्टा प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है तो आपको यहाँ से बाइनरी नंबर मिल तो गया वन वन ज़ीरो वन डबल ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन डबल ज़ीरो ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में ठीक है एक और देख लेते हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है और ये वाला नहीं दिख रहा है ग्रीन पेन से तो वन जीरो जीरो वन जीरो ज़ीरो लिखा है मैंने ठीक है सो तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अगर नहीं हुआ होगा तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं और समझ में आ जाएगा तो मैं एक और एग्जाम्पल ले ले रही हूँ जिससे आप समझ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया है वन थ्री थ्री ऑक्टल नंबर है इसको आपको चेंज करना है किस में बाइनरी में किस में चेंज करना है बाइनरी में तो क्या करेंगे इसको हम दूर दूर लिख देंगे उसके बाद मैंने बोला तीन नंबर्स लेने हैं वन टू फोर वन टू फोर वन टू फोर ये आपको तीन तीन नंबर्स इसमें लेने हैं हमेशा क्योंकि हम थ्री थ्री का ग्रुप बनाते हैं किस में ऑक्टल में ठीक है तो इसके बाद क्या करेंगे देखिए यहाँ पर थ्री चाहिए टू प्लस तो वन थ्री बना होगा टू प्लस वन थ्री बना होगा तो यानी कि हाँ वन यहाँ वन यहाँ पर आएगा ज़ीरो ठीक है यहाँ वन यहाँ वन यहाँ पर आएगा ज़ीरो अब देखिए थ्री है यहाँ पर भी टू प्लस वन बना होगा यहाँ वन यहाँ वन यहाँ पर जीरो यहाँ वन है केवल वन के नीचे बनाएगा बाकी दोनों जीरो होंगे ठीक है अब इसको सबको हमको एक साथ करके लिख देना है कंबाइन करके लिख देना है तो कितना बनेगा जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ज़ीरो जो होते हैं ना नंबर्स के जो आगे जीरो होते हैं वो कभी भी कैलकुलेट नहीं होते तो उनको नहीं लिखते माने नहीं जाते तो यहाँ से लिखेंगे वन से वन जीरो वन वन ज़ीरो वन वन ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में ठीक है ऑक्टल वन थ्री थ्री एट को हम वन ज़ीरो वन वन जीरो वन वन लिख सकते हैं बाइनरी में आगे अगर जीरो हो तो वो कैलकुलेट नहीं होते लेकिन अगर बीच में होते हैं या बाद में होते हैं तो वो कैलकुलेट होते हैं ठीक है तो अगर आप जीरो वन लिखते हैं तो उसका मतलब वन ही होता है तो इसलिए यहाँ पर ये जो दो ज़ीरो हैं इसको आपको नहीं लिखना है ठीक है वन से स्टार्ट करना है वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन क्लियर हुआ तो इस तरह से हमने सीख लिया ऑक्टल टू बाइनरी भी तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी सीखा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे के सीखेंगे टॉपिक बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बाइनरी टू ग्रे कोड और ग्रे कोड टू बाइनरी हम सीखेंगे अपने फर्दर लेक्चर में ठीक है हेक्साडेसिमल भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है एग्जाम में आता है आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ग्रेजुएशन स्टडी से रिलेटेड और ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें राधे राधे फ्रेंड्स